कुकावास में 2 महीने पहले बुजुर्ग के दिल दहला देने वाले हत्याकांड मामले में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने की वजह से परिजन जो हैं वो अनशन पर बैठ गए। आज 4 परिजनों की तबीयत जो थी वो अचानक से बिगड़ने पर उन्हें पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया है। डॉक्टर द्वारा 4 दिन से अनशन पर बैठे परिजनों का स्वास्थ्य परीक्षण के बाद प्रशासन को रिपोर्ट भेज दी गई है, जिसके बाद प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य में गिरावट देखते हुए अनशन पर बैठे हुए परिजनों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। परिजनों का आरोप है कि कुकावास में बुजुर्ग पुनमा राम की हत्या मामले में सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, जबकि आरोपी आराम से बाहर घूम रहे हैं, धमकियां भी दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो दहशत में है। कुकावास गांव में, बगुड़ा तहसील कुकावास गांव में पुनमा राम जी की हत्या हुई थी, जो पड़ोसी ने घर पे बुलाकर उनकी हत्या की गई आज से 2.5 महीने पहले, इन्हें 70 डेज पहले, जो उसमें एक आरोपी को घर वालों ने पकड़ लिया था, आस पड़ोस ने और घर वालों ने पकड़ लिया था, बाकी शेष 3 आरोपी इनके आंखों के सामने भाग गए जो अभी तक नहीं मिले, और वो 3 शेष आरोपी खुले घूम रहे गांव में, और एक तो मास्टर है वो स्कूल भी जा रहा हो। ये अभी कुछ दिन पहले एक मुकदमा दर्ज हुआ था मर्डर का, 56/24 पुलिस थाना बागोड़ा में, इस संबंध में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने के कारण ये लोग बैठे हुए हैं। इस संबंध में पुलिस के द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है, अनुसंधान अधिकारी दीप सिंह SHO करडा है, उनके द्वारा मुकदमे में तफ्तीश की जा रही है। इनके द्वारा अभी कुछ दिन पहले ज्ञापन भी दिया गया कलेक्टर साहब को भी और मेरे को भी, तो इसमें जो कुछ तथ्य आए उन पर भी दीप सिंह जो SHO है वो जांच कर रहे हैं। झालावाड़ जिले के जावर थाना प्रभारी अभय सिंह को SP ऋचा तोमर ने लाइन हाजिर कर दिया है। SHO को लाइन हाजिर कर झालावाड़ पुलिस लाइन भेज गया और इस कार्रवाई को पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रशासनिक कारण बताया जा रहा, लेकिन एक युवक के खिलाफ शराब परिवहन का झूठा मुकदमा दर्ज कर उसे थाने में मारपीट करने की शिकायत पर थाना अधिकारी पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। तभी मुझे शराब के ठेके वाले मिले पट्टी के जस्ट आगे, और मेरी बुआ मेरे पीछे बैठी थी, इनके पास 2 गाड़ियाँ थी, ये 4 बंदे थे, मेरी चलती गाड़ी इन्होंने पटक लिया और मेरी बुआ के साथ भी गाड़ी क्लोज करी और मेरे साथ भी दयाली करी इन्होंने, मतलब मारपीट की। उसके बाद मुझे यहाँ से वो जावर जो दारू की दुकान है ना, देशी अंग्रेजी शराब की दुकान वाले गई, इनको ऑफिस में जाकर इन्होंने मुझे वहाँ भी मेरे साथ में मारपीट की, फिर उसके बाद में इन्होंने दारू की पेटी उठाई और मुझे थाने में लेकर गए। और बाकी कौन से थाने में? जावर थाने में। फिर वहाँ मेरे साथ भी मारपीट की। किन्ने? थानेदार और SI और कांस्टेबल था एक, और फिर वहाँ जाकर के इन्होंने जो ठेकेदारों ने शराब ठेकेदारों ने बोला, थानेदार साहब ने वैसे ही कार्रवाई की और मेरे खिलाफ केस दर्ज कर दिया। दौसा को रुख करेंगे, बड़ी खबर है, साकार हरि बाबा का राजस्थान से कनेक्शन सामने आया है। दौसा में पेपर लीक माफिया हर्ष